अगर आप भी इसी तरह के हरी सब्जी खाकर हो गए परेशान, तो चलिए आज कुछ नए तरीके से ट्राई करते हैं। अगर इस तरीके से हरी सब्जी बनाएंगे ना, तो जो लोग नहीं खाते हैं उन्हें भी ये सब्जी काफी ज्यादा पसंद आएगा, साथ ही वो मांग मांग कर खाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। 1 इंच अदरक के टुकड़े कर लिए, छोटे साइज में कर लिए ताकि इसे थोड़ा चॉप करने में आसानी रहे। 1 गट लहसुन यानी कि 10 से 12 लहसुन के कलियों को हमने छील कर ले लिया है। इसी के साथ लेंगे 1 हरी मिर्च, 1 मीडियम आकर के प्याज को हमने इतने बड़े टुकड़ों में काट लिए है, इससे चॉप करने में आसानी होगी। अब जो ढक्कन है इसे अच्छे से फिट कर देंगे इस तरह, और फिर हम चॉपर को चॉप कर लेंगे सारी सामग्री को। चलिए एक बार चॉपर को खोलकर देख लेते हैं। तो जी आप देख सकते हैं हमारी ये जो प्याज वगैरह है कितने बढ़िया तरीके से चॉप होकर बिल्कुल रेडी हो गई है। आप चाहे तो चाकू की सहायता से भी काट कर ले सकते हैं। 1 बड़े चम्मच ऑयल ले लिया है, इसमें हम आधी चम्मच जीरा डाल देंगे, 2 पिंच हींग। जीरा और हींग को हल्का सा फ्राई कर लेंगे, समय से देखें तो लगभग आधे मिनट तक। इससे जीरा हमारा अच्छे से फ्राई हो जाएगा और जीरे से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगी, जिससे हमारी सब्जी का टेस्ट जो है बहुत बढ़िया आएगा। हमने यहाँ पर जो प्याज वगैरह काट कर ले लिया है उसे डाल देंगे। प्याज को हम मीडियम टू लो गैस पर लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। इसकी मदद से हमने प्याज को जो है चॉप करके ले लिया है, तो इतने बारीक प्याज है बहुत जल्दी फ्राई हो जाएगा। ये प्याज को मीडियम टू लो गैस पर 2 से 2.5 मिनट के बीच में लगातार चलाते हुए फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं प्याज का जो कलर है बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुके हैं, यानी हमारा जो प्याज है ये अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो इसी तरह के हमें प्याज को फ्राई करके लेनी है। मीडियम आकार के टमाटर को ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके ले लिया। आप चाहे तो टमाटर प्यूरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर टमाटर को जो है बारीक काट कर भी ले सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। आप लाल मिर्ची की क्वांटिटी आधी चम्मच तक कर सकते हैं। अब सारे मसाले को प्याज टमाटर के साथ में अच्छे से मिक्स कर दें। गैस को हमने स्टर्म लो कर रखा है, हमने मसाले के साथ में प्याज टमाटर को अच्छे से मिक्स कर दिया है। मैं यहाँ पर लूंगी 1 कप फ्रेश मटर, और मटर को हम मसाले के साथ में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तरह से अगर आप हरे प्याज की सब्जी बनाएंगे ना, तो जिन लोगों को भी हरे प्याज की सब्जी खाना पसंद नहीं है तो मटर डालकर एक बार मेरी तरीके से जरूर ट्राई करें। एक ही मानिए जिनको खाना पसंद नहीं है ना, वो भी सब्जी को मांग मांग कर खाएंगे। तो जी मटर और मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। यहाँ पे 250 ग्राम हरे प्याज को 4 से 5 बार अच्छे से धोने के बाद में इस तरह से काट कर ले लिया है, तो इसे डाल देंगे। हरे प्याज को अच्छे से धो ले, हरे प्याज में काफी मात्रा में मिट्टी होती है। अब मसाला के साथ में प्याज को जो है अच्छे से मिक्स कर देंगे। सब्जी को बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है। इसी के साथ ये सब्जी बहुत ही कम मसाले में और बहुत ही कम समय में बनकर रेडी हो जाती है। मसाले के साथ में हमने हरे प्याज को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो जी आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम मसाले के साथ में इसे मिक्स करते गए, उसके साथ ही हमारा जो प्याज है ये पहले की तुलना में काफी ज्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। अब गैस को धीमे करके सब्जी को हम 4 मिनट के लिए धीमे इस पर पकाएंगे, इससे हमारे हरे प्याज जो है अच्छे से पक जाएंगे। आप देख सकते हैं सब्जी हमारी जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से पककर रेडी हो चुकी है। इसके साथ ही जो है सब्जी में से ऑयल अलग होना शुरू हो गई है, इसका मतलब ये है हमारी जो सब्जी है बढ़िया तरीके से पककर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो जी आप चाहे तो इस सब्जी को ऐसे ही परोस सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बारीक कटी हरा धनिया डाल दूंगी, इससे सब्जी का फ्लेवर और साथ ही टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आएगा। और हरा धनिया के साथ में सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने सब्जी को हरा धनिया के साथ मिक्स करने के बाद में 2 मिनट तक मीडियम गैस पर पका लिया है। आप देख सकते हैं हमारी जो सब्जी है बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इस सब्जी को चावल, दाल, रोटी, पराठा किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। जी आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें, और अगर आपको हमारे रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले।